मोदी जी की तानाशाही, बीजेपी की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि वे अच्छा बुरा भूल गए हैं। एक तरफ बोलते हैं कि पेड़ में भगवान है, पेड़ की पूजा करो, पेड़ लगाओ, और दूसरी तरफ उन्हीं पेड़ पे आरी चलवा देते हैं। उनकी दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके ये काम किया है, उन्होंने जनता के खिलाफ में काम किया है। ऑक्सीजन कहाँ से मिले, ऑक्सीजन को खत्म करे, प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने तो जीतने के बाद पेड़ काट दिए और जनता को मैसेज दे दिया कि देखो तुम्हारे से वोट भी ले लिया है और पेड़ भी काट दिए हैं, कर लो क्या करोगे। अभी तो घड़ा फोड़ने की राजनीति कर रहे थे जगह जगह और घड़ा फोड़ के दिखा रहे थे कि पानी पानी पानी। केजरीवाल गब्बर है मोदी जी के लिए, इसलिए मोदी जी ने उसको जेल में बंद कर दिया, सलाखों के पीछे डाल दिया है। एलजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़, और मैं इसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर हूँ। आप देख सकते हैं सीधी सीधे इस तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जिस तरह से कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे जुटकर जिस तरह से विद्रोह कर रहे थे कि जो देश में जो भारतीय जनता पार्टी वो दिल्ली में 1100 पेड़ कटवा दिए जो इलीगल था, इलीगल तरीके से। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगी मैम जिस तरह से आप ये पेड़ तस्वीर ली हुई हैं और ये हाथ में आप ये कटार भी ली हुई है इसको, और ये जो तस्वीरें, क्या कहेंगी आप जो पेड़ कट रहे हैं? मेरा कहना ये है कि हम एलजी साहब से पूछना चाहते हैं कि आपको पेड़ काटने की अथॉरिटी किसने दी? सबको पता है कि हम लोग बच्चे की तरह पालते हैं, छोटा सा लगाते हैं ना, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं उसके अंदर, और इन्होंने एक सेकंड में 1100 और वो काट दिए पेड़। किसने अथॉरिटी दी थी? मैं कहा ये इनके जो प्रधानमंत्री है उनको नहीं दिखाई दे रहा? और हम ना एलजी साहब की इस्तीफे की मांग करते हैं, जिनको इतना नहीं पता कि पेड़ काटना एक जुर्म है, पेड़ काटते हैं तुरंत आ जाते हैं चलान करने के लिए, तो एलजी के लिए कुछ कानून नहीं है क्या? ऐसे में अगर देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी है कई जगहों पे पोस्टर लगवाती है कि एक पेड़ 10 पुत्र समान है, यानी कि अगर एक पेड़ है तो 10 पुत्र के समान है, क्या कहेंगी आप होर्डिंग बैनर पर जिस तरह से लगाया जाता है ऐसा? मैं यही कहना चाह रही हूँ ना, एलजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें ये नहीं पता कि पेड़ एक हमारे परिवार का हिस्सा है, हम बच्चे की तरह पालते हैं उसको, पानी देते हैं, खाद देते हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए, एलजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो मोदी जी है ना, मोदी जी को उनका इस्तीफा जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। मोदी जी को तो देखिए यहाँ पे पेड़ जिस तरह से कटे हैं मैडम, ये कटार हाथ में लिए, क्या कहेंगी पेड़ को लेकर, जिस तरह से जो पेड़ है वो मानव जीवन में कितना उपयोगी है आप बताइए? मानव के लिए तो इसका, अगर पेड़ ना हो तो सांस कैसे लेंगे हम, ऑक्सीजन कैसे आएगी? जितने भी है जो ये हम बच्चों की तरह पालते हैं पेड़ पौधे को, एकदम बच्चों की तरह हम जल करते हैं, 24 घंटे ध्यान रखते हैं, खनिज का रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, और उसी को ये काट के हम बड़ा कर रहे हैं, और ये काट के बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ख़त्म कर रहे हैं, प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। एलजी का जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, सख्त ऑर्डर है कि पेड़ को नहीं काटना, और फिर उस ऑर्डर को ख़त्म कर रहे हैं और खुद ही अपना कानून का उसको अवहेलना कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट का ऑर्डर है उसका अवहेलना कर रहे हैं। सरकार अपनी इससे तो अच्छा एलजी सीट पे से हटे, क्योंकि उसने बहुत गलत काम करा है। ऐसे आपको बताओ इतने रोज बेरोजगार करे इन्होंने, कितने 10,427 CDU को हटाकर खत्म करा, ऐसे जब सीट पे बैठता है। ठीक है मैम, मैं पेड़ पे ही रहूंगा, जिस तरह से पेड़ मानव जीवन के लिए इतना उपयोगी, आपने देखा हसदेव जंगल को जिस तरह से काटा गया था, तो वहाँ के जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग थे वो काफी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो आवाज दिल्ली तक नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन दिल्ली में मात्र 1100 पेड़ कटे हैं, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने आप को बता रहे कि पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा इससे, पेड़ कटने से, तमाम ऐसी चीजें बता रहे हैं, क्या कहेंगी मैम? देश का हिस्सा हसदेव जंगल था, इसमें हजारों लाखों पेड़ काट दिए गए थे, क्या कहेंगी आप जिस तरह से आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? मोदी जी की तानाशाही, बीजेपी की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि वे अच्छा बुरा भूल गए हैं। अभी पेड़ कटवा, एक तरफ बोलते हैं कि पेड़ में भगवान है, पेड़ की पूजा करो, पेड़ लगाओ, और दूसरी तरफ उन्हीं पेड़ पे आरी चलवा देते हैं, तो ये इनका दोहरा स्वरूप है, ये दोहरे मापदंड के साथ चल रहे हैं, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और दूसरे ये 1100 पेड़ किसकी परमिशन से काट दिए? सुप्रीम कोर्ट की परमिशन तो नहीं थी क्या? तुम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हो? और जिन लोगों के लिए तुमने वे पेड़ काटे हैं, जो वहाँ पर फार्म हाउस है, अगर आप उनको लाभ पहुँचाना चाह रहे हो, तो क्या वे दिल्ली से भी बड़े हो गए कि उनके उनके रास्ता देने के लिए आपने ग्रीन जोन के पेड़ काट दिए?
पेड़ लगाने चाहिए। केजरीवाल जी हर साल बारिश के सीजन में पेड़ लगवाते हैं, पौधा घर घर बांटते हैं ताकि लोगों में पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता बढ़े, प्रदूषण के खिलाफ वे काम करें और प्रदूषण किन चीज़ों से कम होगा वे ऐसे काम करते हैं। और ये दूसरी तरफ एल जी है कि उन्होंने पेड़ कटवा दिए, तो नहीं जानते कि हर साल वृक्षारोपण होता है बारिश के सीजन में? क्या आप नहीं जानते? क्या दिल्ली का बच्चा बच्चा नहीं जानता? क्या बीजेपी नहीं जानती? क्या मोदी जी नहीं जानते कि केजरीवाल तो पेड़ लगवाए जा रहा है और मोदी पेड़ कटवाए जा रहा है, तो ये नहीं चलेगा। दिल्ली के लोगों ने उनको भी वोट दिया है, दिल्ली ने 7 सांसद दिए हैं उनको, तो दिल्ली के हक में उन्हें काम करने चाहिए, ना कि उन्हें दिल्ली के खिलाफ में काम करने चाहिए। उन्होंने जनता के खिलाफ में काम किया है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? एक पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है? ऐसे में चलिए, पेड़ की तो मामला ठीक है, जिस तरह से ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में चुनाव है विधानसभा का, ऐसे में आपके जो सीएम है अभी भी वो जेल के अंदर है, क्या कहेंगी आप? किस तरह से आप लोग का रणनीति आगे काम करेगा? देखो, सांस को आँच नहीं, हर घर में केजरीवाल है, मैं भी केजरीवाल हूँ। और सांस को तो आँच मिल गई है ना पेड़ काट कर, सांस को आँच मिल गई है तो उसको सजा दिलवाओ ना। उन्हीं के खिलाफ तो आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके ये काम किया है। और पेड़ काटना भगवान को भी बुरा लगता है, वैसे तो ये देशद्रोह बताते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं। क्या पेड़ लगाना देश प्रेम नहीं है? और क्या पेड़ काटना देशद्रोह नहीं है? जिस जगह पे प्रदूषण इतने बड़ी संख्या में है, जहाँ लोगों का सांस लेना दुभर हो जाता है, क्या वहाँ पेड़ काटना ये पेड़ काट देना ये भी तो देशद्रोह हो गया ना? कि जनता को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, जब हिंदुस्तान नहीं बचेगा तो देश प्रेम कहाँ रह गया? पेड़ ही हिंदुस्तान है, तो पेड़ से ही तो हिंदुस्तान है। पेड़ हमारी जड़ों से मजबूत होगी जब भी तो बारिश होगी जब भी तो पानी मिलेगा। अभी तो घड़ा फोड़ने की राजनीति कर रहे थे जगह जगह, और घड़ा फोड़ के दिखा रहे थे कि पानी पानी पानी, छच्चे मंजिल बना लिए हैं लोगों ने, और छच्चे मंजिल का वादा नहीं करा था केजरीवाल ने। पूरे दिल्ली में अगर बात की जाए तो दिल्ली में आपकी सरकार है और आपके ही जो अतिथि जी है वो जल मंत्री है, तो पूरे देश में ही नहीं पूरे अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पानी को लेकर काफी जनता परेशान थी, तो आप लोग की जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली की जनता को पानी उपलब्ध कराएं। हम दिल्ली में रहते हैं 30 साल से, और 30 साल से हमने देखा है कि जो कांग्रेस भी आई बीजेपी भी आई, उन्होंने स्थानीय लोगों के बोरिंग करवाए, उन पे कब्जे करवाए। सिर्फ केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है, जिसने हर घर को पानी दिया है, और उस हर घर को इतना लालच आ गया कि 6 मंजिल बना के लाखों रुपया किराए से कमा रहा है, और फिर भी कह रहा है हाय पानी हाय पानी। उसमें बीजेपी के भी लोग आते हैं, पानी की जरूरत उनको भी है और उनको भी पानी मिल रहा है। इस बार जनता बता देगी उनको। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें दिल्ली में केजरीवाल ही चाहिए, और दिल्ली में केजरीवाल ने पेड़ लगवाए हैं, कटवाए नहीं, और बीजेपी ने कटवाए। दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता को भी शर्म आनी चाहिए कि जो उनके हक के लिए काम ही नहीं करता, उनको इतनी ताकत क्यों दी पेड़ कटवाने की? ना वे इतने ताकतवर होते, ना पेड़ काटे जाते। पेड़ काटे गए होंगे, पेड़ काटने की ताकत भी तो जनता ने ही उन्हें दे दी। ये पेड़ काटने की ताकत अगर जनता उन्हें ना देती तो वे पेड़ कैसे काट देते? उन्होंने तो जीतने के बाद पेड़ काट दिए और जनता को मैसेज दे दिया कि देखो तुम्हारे से वोट भी ले लिया है और पेड़ भी काट दिए हैं, कर लो क्या करोगे? तो इसको लेकर विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी आप लोगों की? हमें रणनीति से मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है, और हम काम करते हैं। केजरीवाल के मॉडल से डरी है बीजेपी, केजरीवाल के काम करने के तरीके से डरी है बीजेपी, और बीजेपी सिर्फ केजरीवाल के पीछे क्यों पड़ रही? और भी तो नेता हैं, उनके खिलाफ क्यों केस नहीं चला रही? सवाल केजरीवाल के पीछे पड़ने की नहीं है, जो जैसा करेगा आपने देखा। कैसा करेगा? दिल्ली के लिए इतना बेहतरीन काम किया है, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, घर घर पानी दिया है, और 200 यूनिट फ्री देकर तो कमाल ही कर दिया। मीडियम फैमिली के लिए, पैसे वालों को जरूरत नहीं है 200 यूनिट की, मीडियम फैमिली को और गरीब लोगों को जरूरत है। तो ये इतने बेहतरीन काम करने के बाद आप कहोगे कि केजरीवाल गलत है? केजरीवाल मैं कहा कह रहा हूँ कि केजरीवाल गलत है, और केजरीवाल चाहता है कि पूरे देश में मोदी ना आए, वो चाहता है कि पूरे देश में ये केजरीवाल आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। ये केजरीवाल गब्बर है मोदी जी के लिए, इसलिए मोदी जी ने उसको जेल में बंद कर दिया, सलाखों के पीछे डाल दिया है, लेकिन सास को आस नहीं है, उसके सिपाही खड़े हैं। चलिए, ये काफ़ी यहाँ पे बातचीत हुई, जिस तरह से पेड़ को कटने के लेकर तमाम यहाँ पे मुद्दे निकल कर आए हैं। पेड़ सोचिए मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी होता है, सोचिए पूरे देश में जब हसदेव जंगल को काटा जा रहा था तो दिल्ली के जो लोग थे, दिल्ली के जो मंत्री बैठते थे, उनके कान में चू तक नहीं होता था, लेकिन आज
दिल्ली में मात्र 1100 पेड़ कटे हैं उसको लेकर दिल्ली की जनता सड़कों पर आ चुकी है। तो सोचिए, ये चीजें हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, कुछ नेता हैं जो उन्हें वनवासी तक बोलते हैं। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।